जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे प्यारे लाडलो गायत्री ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, मैं कमेंट और मैसेज जब देखता हूं तो बीएसएफ रिजल्ट कब जारी होगा, एक ही कमेंट, और जब कॉल आता है तो एक ही कॉल पे आप लोगों का सवाल होता है रिजल्ट कब जारी होगा। तो देखिए, मैं आप सभी स्टूडेंट को आपके उन सवालों के जवाब देने के लिए ये एक वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसका आपको काफी दिनों से इंतजार था। अब देखिए, आप लोगों में से ही आप दो तरह के लोग हैं, आप लोग जो आप हमें देखते हैं उन्हीं में से आप दो तरह के लोग, जब हम वीडियो डालते हैं कि रिजल्ट का अपडेट ये है, तो आप में से कुछ लोग उल्टा बोलते हैं कि आप वीडियो क्यों डालते हो, और जब वीडियो नहीं डालते हैं तो आप में से ही कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप वीडियो नहीं डालते हो। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि 4 दिसंबर को जब एग्जाम हुआ था उसके बाद में हम लगातार एक्टिव है, और देखिए बीएसएफ ट्रेड्समैन का हमने पूरा जीरो लेवल से तैयारी आप लोगों को करवाया है, जिसमें ट्रेड की भी हमने तैयारी करवाई है और स्टेप टू स्टेप हमने आपको वीडियो दिया है। पूरी मेहनत आप लोगों के साथ मिलके करी है, और आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे साथ पढ़ाई भी करके आए हैं। तो देखिए, कमेंट में आप लोग जय हिंद जरूर लिखना। यदि आपके हमारे पढ़ाई हुए में से एक दो क्वेश्चन भी आपको मिले तो भी आप कमेंट में जय हिंद लिखना, क्योंकि देखिए हमारा काम है आप लोगों को जानकारी देना, मेहनत करवाना, और जो मेहनत करेगा उसे वर्दी मिलेगी। अब बात अपन करते हैं रिजल्ट क्या रहेगा। तो देखिए, आप सभी स्टूडेंट से मैं इस लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से बोलना, ये वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि जो ये आप लोगों की कट ऑफ है, आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट है जो मेरे को रोज मैसेज करते हैं कि मेरे 82 है, 83 है, 84 है, तो आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे जानना चाहते हैं। तो देखिए, जो भी इस वीडियो को अभी देख रहे हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आपका क्या स्कोर रहेगा, आपने कितना क्वेश्चन ठीक किया है। क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दे दिया है, और पहली पारी की दो की जो पेपर है, फर्स्ट पारी का और दूसरी पारी का, दोनों पेपर, दोनों पारियों का फुल सॉल्यूशन हमारे चैनल पे डाला हुआ है। हालांकि आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने वो नहीं देखा होगा, तो मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, आप आराम से वो पेपर देख सकते हो, चारों पेपर, और अपना जो आप लोगों का स्कोर है, भाई मैंने इतना स्कोर किया है, वो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, फिर हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। और रिजल्ट की बात, तो रिजल्ट की बात ये है भैया कि पहली पारी का जो पेपर था उसका अभी सॉल्यूशन नहीं हुआ है, अभी भी उसकी जांच चल रही है। रोज हमारे पास एक दो दिन छोड़ के इंटेलिजेंस वाले कॉल या मैसेज किसी भी माध्यम से हमारे से संपर्क करते हैं, और हमने भी देखिए उसी दिन जिस दिन आपका 4 दिसंबर को पेपर हुआ था उस दिन सौगंध खाई थी कि यदि पेपर आउट हुआ है या गड़बड़ हुआ है तो ये रद्द होगा, और यदि पेपर एकदम सही हुआ है तो पेपर का रिजल्ट निकलेगा। तो देखिए, मैं ज्यादा बातें आप लोगों के साथ शेयर यूट्यूब पे नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए प्रतिबंधित है सिस्टम, ऐसे नहीं है। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहते हैं, हमारे चैनल के प्रत्येक वीडियो पे भरोसा करते हैं, आप हमारा सपोर्ट करते हैं, बस हमारे लिए उतना ही काफी है। आप लोगों को मैंने जैसा बोला है कि हम आप लोगों के लिए दिन रात एक कर देंगे, अभी भी हम आप लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं। अभी वीडियो बनाने के लिए हमें विशेष तौर से प्रतिबंधित किया हुआ है कि भैया आप जब तक इसका पूरा सॉल्यूशन नहीं हो कोई वीडियो नहीं डालना है, ठीक है। फिर भी ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि रोज आप में से ही हमें जो चाहने वाले हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर है, वो कॉल करते हैं। देखिए, कॉल करते हैं, एक आस लेकर करते हैं, बहुत मैं सौभाग्यशाली मानता हूं हमारी गायत्री टीम को कि हमारे पास आप लोग भरोसा करके कॉल करते हो। लेकिन देखिए, आप भी जानते हैं कि और भी काम रहते हैं, ये एक फालतू का काम है भाई, रिजल्ट कब जारी होगा। कॉल करने से रिजल्ट जारी नहीं होगा, रिजल्ट जारी बीएसएफ करेगा, आप और हम तो माध्यम है। तो आप लोगों को मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि जिस दिन आपका जांच और पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा उस दिन आपका रिजल्ट निकल जाएगा, और यदि जांच में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो आपका रिजल्ट, आपका एग्जाम भी दोबारा हो सकता है, कोई मोटी बात नहीं। तो बने रहिए मेरे अपने इस चैनल पर, आपको हम एनी टाइम जो भी जानकारी होती है वो बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। फिर भी देखिए, आप में से बहुत से महानुभव हैं जो अच्छे कमेंट करते हैं, तो उनको भी मैं दाद देता हूँ कि आपके बहुत अच्छे संस्कार हैं, और आपके माता पिता ने आपको जैसे संस्कार दिए हैं वैसे ही आप कमेंट करें, हमारे आपके कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि
कहते हैं ना कि जो अच्छा काम करता है उसको मुसीबतें हजारों का सामना नहीं लाखों का करना पड़ता है। तो हम तो रोज मुसीबतों का सामना करते हैं, आप लोगों की नेगेटिव कमेंट ही हमें प्रेरित करते हैं अच्छा काम करने के लिए। नेगेटिव कमेंट करने वाले 0.11% है, 99.99% पॉजिटिव कमेंट करने वाले हैं। तो मैं सलाम करता हूं जो हमें पॉजिटिव कमेंट करते हैं। तो गायत्री चैनल में बने रहिए, जैसे ही मेरे पास छोटा सा भी अपडेट आएगा सबसे पहले अपडेट दूंगा। आप बहुत से हजारों हजार चैनल आप लोग यूट्यूब पे बीएसएफ ट्रेड्स मैन वालों खोजते हो देखते हो, फालतू में चिंता मत करो, बीएसएफ ट्रेड्स मैन का रिजल्ट आना होगा, आ जाएगा, आप चिंता मत करो, आप मेहनत करो। आगे आगे आपको क्या करना है, बाय द वे रिजल्ट आपका नहीं निकलता है तो आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है। आपका एग्जाम रद्द हो जाए और आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा, 15 दिन का मिलेगा, तो फिर आपके हाथ पांव फूल जाएंगे। तो अभी से आप लोग पढ़ाई को छोड़िए नहीं गा, क्योंकि पढ़ाई जो करता है वो आगे बढ़ता है। अरे शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना ही धाड़ेगा। जय हिंद।